सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो शुरू किया था वो हमारे पास टॉपिक था कि रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, ठीक है। हमारे पास क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। उसके बाद जो मेरे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना भाई, इसको हम बोलेंगे, उसी के अंदर मेरे पास जो पहला पॉइंट था भाई, जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है उसके अंदर जो पहला पॉइंट था वो मेरे पास था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या फिर एयर बोल सकते हैं, हवा के साथ, ठीक। अब नेक्स्ट मेरे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। जो रिएक्शन है हम कर रहे हैं वाटर के साथ, जो मेटल है उसको मतलब उसकी रिएक्शन मेटल के साथ कर रहे हैं और वाटर के साथ कर रहे हैं भाई, वो देख लो एक बार। तो सेकंड पॉइंट था और लास्ट क्लास में फर्स्ट पॉइंट हो गया था, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज तुम्हें ध्यान रख के चलनी है, वाटर मेरे पास दो तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहां बोल, देखो मेटल तो मैं कोई सा मेटल ले सकता हूं, मैं यहां पे किसी भी मेटल को उठा सकता हूं, ठीक है। एनी मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। और जो वाटर की बात करते हैं ना भाई, वाटर का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2O होता है। लेकिन वाटर हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं, एक मेरे पास कोल्ड वाटर है, ठीक है, दूसरा मेरे पास है हॉट वाटर, और तीसरा जो वाटर की फॉर्म में नहीं होता, मतलब कि इतने से वाटर होता है लेकिन हमारे पास क्या है कि भाई लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता है, ठीक। तीसरा में उसको हम बोलते हैं स्टीम, ठीक। देखो मेरे पास जो कोल्ड वाटर हो गया और जो हॉट वाटर है, ये दोनों के दोनों मेरे लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास स्टीम है ये मेरे पास होता भाई गैस की फॉर्म में, ठीक। ये चीज है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर है, ठीक। इसके अंदर मेरे पास पहले तो मैंने मेटल के बारे में बताया, मेटल में क्या मेरे पास एनी मेटल कोई सा भी मेटल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। भाई पहले समझो कि ऑन एनी मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। मेरे पास मेटल अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। जो मेटल है मेरे पास अलग अलग तरीके से होते हैं। एक मेटल ऐसा होता है कि भाई जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एक ऐसा होता है जो कम रिएक्टिव है, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें रिएक्टिव को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैंने तेजाब लिया, ठीक है, मैंने एसिड लिया, एसिड के अंदर मैं एक मेटल को डालता हूँ और बहुत तेज बुलबुले छोड़ना शुरू कर देता है वो, ठीक है। डालते ही उसने क्या किया, बहुत ही तेज बुलबुले छोड़ना शुरू कर दिए, उसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है कि भाई एक मेटल है, मैंने उसको डाला, ठीक है, एक मेटल लिया मैंने उसको पानी में डाला, मतलब उसी तेजाब के अंदर डाला। अब क्या हुआ, उस मेटल को जैसे ही मैंने तेजाब के अंदर डाला तो वो मेटल तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा, बाद में रिएक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल, और क्या बोलते हैं उसको, लेस LESS लेस रिएक्टिव मेटल। मान लो मैंने एक और मेटल लिया उसे डाला, ठीक है, तो भाई तीन अलग जगह मैंने एसिड रखे थे, एक में डाला मैंने ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल, दूसरे में डाला कम रिएक्टिव मेटल, और जो तीसरा है उसके अंदर एक मेटल डाला और कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बात समझ आ रही है, देखो मैंने पहला एक बीकर लिया, ठीक है, एक मान लो टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने उसमें एसिड डाला, एसिड डालने के बाद मैंने उसके अंदर क्या डाला, मेटल, एक कोई सा मेटल लिया डाला। अगर वो बहुत ही तेज बुलबुले छोड़ना शुरू करता है, बहुत ही गर्म हो जाता है वो तुरंत ही, ठीक है, उसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन मैंने दूसरा लिया उसके अंदर मेटल डाला, बहुत थोड़ी देर के बाद उसने रिएक्ट करना शुरू किया, मैंने तीसरा लिया उसमें मेटल डाला तो भाई अब क्या है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वैसा का वैसे ही पड़ा है, तो इसको बोलते हैं मतलब कि नॉन रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मतलब जो रिएक्टिव है नहीं। ये बात समझ में आ रही है, तो अब मेरे पास तुम्हें रिएक्टिविटी का मतलब पता लग गया, इसके बारे में लिखवा दूंगा। सुनो भाई, सबसे पहले चीज कभी भी ध्यान रख के चलना कि अगर मेरे पास कोई सा भी मेटल रिएक्ट करता है अगर वाटर के साथ, ठीक, तो वो क्या क्या फॉर्म करता है भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको एक तरीके से हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, और दूसरा मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो मैंने क्या बोला भाई कि अगर मैं मेटल, मैं इसे लिख लो मेटल रिएक्ट विद, अगर मेटल रिएक्ट करता है वाटर तो क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म, ठीक है, मैं मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, भाई क्या क्या बनाता है
पहला जो मेरे पास है भाई, सबसे पहला मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड भाई मेटल हाइड्रोक्साइड को हम मेटल ऑक्साइड भी बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो मैं इससे पिछले रिएक्शन में बता चुका हूं। तो मैंने क्या बोला कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड को मेटल ऑक्साइड ही बोलते हैं। एंड भाई सुनो, अगला मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। क्या भाई? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब भाई समझो, पहली बात, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसा होता है भाई? गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। सुनो, अब मैं तुम्हें इसकी रिएक्टिविटी जो लिखवा रहा हूँ, लेकिन एक बात समझो भाई, जो मैंने क्या बताया कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, मैंने बोला कोई सा मेटल है, ठीक है, उसने रिएक्ट किया है वाटर के साथ। मैं तुम्हें क्या बोलता भाई, वाटर तीन टाइप्स होते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम, ठीक है, बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, उसके मेरे पास क्या भाई, स्टीम है, बात समझ आ गई? अब सुनो, जो मेरे पास कोल्ड और जो हॉट वाटर होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं भाई, लिक्विड की फॉर्म में, और जो मेरे पास स्टीम है वो मेरे पास किस फॉर्म में होता है, गैस। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर जो स्टीम है, ठीक, स्टीम कैसे बनता है? पहले मैंने पानी गर्म किया होगा, तभी तो पानी वेपर बन के ऊपर क्या होगा। अब बताओ ये मेरे पास जो ये जो गैस है, ठंडी गैस है, गर्म गैस है, गर्म गैस होगी, बातें तो लग रही ना भाई। मुझे बताओ, तुमने मान लो कुकर चढ़ा रखा है, उसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, हाँ स्टीम की बात चलती, ठीक है। मैंने क्या बोला, कुकर, तुमने कुकर स्टोव पर रखा हुआ है, उसमें से जो स्टीम निकलता है, उसमें से जो पानी निकल, पानी ठंडा होता है, गर्म होता है, गर्म होता है ना, ये बात समझ आ रही कि स्टीम मेरे पास क्या होता है भाई, स्टीम हॉट होता है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई मैंने क्या बोला कि मेरे पास कुछ मेटल जो होते हैं ना वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो पता लगा इसमें तीन चीज़ें, मेटल तीन तरीके से, वाटर तीन तरीके से हो जाएंगे। अब सुनो भाई, अब देखो एक बात ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करता है भाई, सबसे पहले मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सुनो भाई, अगर उसने गर्म पानी के साथ रिएक्ट किया होगा तो साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा, बात समझ आ रही है? देखो, अगर या तो गर्म पानी हुआ तो या स्टीम हुआ तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, बात समझ आ गई? सुनो, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें ठंडे पानी के साथ बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तो बताऊंगा भाई गर्म पानी के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे भाई ध्यान रखना, हीट तो रिलीज करते ही करता है हमेशा, जब भी करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई पहला मेरे पास है कि जब मेरे पास जो मेटल है उसको हम रिएक्ट करा रहे स्टीम के साथ, ठीक, पहला क्या मेरे पास, मेटल रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, मेटल ने रिएक्ट के साथ किया भाई, स्टीम के साथ किया है, और क्या क्या बनाया उसने, देखो मेटल ने रिएक्ट किया स्टीम के साथ, तो वो सिंपल से प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बोलो भाई, तुम्हें बात तो लग रही है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसमें मैंने वही बोला कि मैंने क्या बोला, मेटल ऑक्साइड बोलूं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बोलूं, बात वही पड़ती है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस है, तो पहले क्या लिखूंगा भाई, देखो नॉर्मल, मेटल ने रिएक्ट किया है स्टीम के साथ, मेटल ने के साथ रिएक्ट किया भाई, स्टीम के साथ क्या बनाया उसने, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये
ये पहली बात है, क्लियर है? इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो मैंने पोटेशियम का दो एटम लिए, ठीक है, वाटर के भी दो वही मैंने एटम लिए, मतलब कि वही दो मॉलिक्यूल्स लिए। देखो पोटेशियम के मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर के मैंने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक। अब यहाँ पे चलो मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले कि मेरे पास पोटेशियम है, ये एग्जांपल है, पोटेशियम लिया मैंने, पोटेशियम को मैंने रिएक्ट किया है कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ साइड में कोल्ड है, कोल्ड वाटर है, ठीक। तो मैंने क्या किया भाई कि जो मेरे पास पोटेशियम है उसको रिएक्ट किया मैंने वाटर के साथ, तो भाई क्या क्या बनाएगा वो? सबसे पहले पोटेशियम मेटल है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सुनो, मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड। देखो मैं ऑक्साइड बोलूँ या हाइड्रोक्साइड बोलूँ, बात वही पता है ना। तो मैंने क्या बोला कि पोटेशियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा भाई? पहला पोटेशियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, बात वही पड़ेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और प्लस में साथ में भाई हीट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टीम के साथ गैस ले कह रहा हूं मैं, स्टीम है, ठीक है, स्टीम की बात चली इसलिए हीट लिखा है मैंने, वरना कोई दिक्कत नहीं होती, हीट प्रोड्यूस करेगा करेगा वो। तो पोटेशियम का मैंने मान लो दो इसके मॉलिक्यूल्स ले लिए, वाटर के भी दो मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, ठीक। यहां पर क्या, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सुनो, जब भी किसी के साथ हाइड्रो ऑक्साइड लगता है तो OH लग जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके दो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन गैस H2, हीट के जगह बस तुम्हें हीट लिखना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो वैसे जिसमें लास्ट में हाइड्रोजन गैस लिखा होता है ना, जिसके लास्ट में हाइड्रोजन गैस लिखा होता है, हमें हमारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि भाई यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट मेरे पास है, अगला मैं कर रहा, देखो पहले मैंने पोटेशियम के साथ कराया ना, पहले मैंने पोटेशियम के साथ करवा दिया, नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई मैं करा रहा हूँ सोडियम के साथ। अगला एग्जाम्पल है, सोडियम ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, ये भी कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे तो बनेगा ना, पोटेशियम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। अब भाई हीट लिखूं चाहे ना लिखूं, वैसे बात तो वही पड़नी होती है, ठीक है, बस तुम्हारी हीट लिखूं चाहे ना लिखूं बात वही पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से हमें पता लगे भाई हीट प्रोड्यूस हुई है। फिर अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, इसका फॉर्मूला मैं इसके भी दो मॉलिक्यूल्स देता हूँ, ठीक है, 2Na+2H2O, यहाँ से मैं गया इस साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई क्या है मेरे पास, 2NaOH, 2 तो 2 आएगा, Na, ठीक है, सोडियम का पता है ना क्या होता है Na, और फिर हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH, ठीक, फिर हमें हाइड्रोजन गैस का पता है H2, और लास्ट में हीट की जगह हीट ही लिखेंगे नॉर्मली, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सुनो भाई तुम्हें एक बात ध्यान रखकर चलनी है यहाँ पे, अच्छा तुम्हें दो रिएक्शन के बारे में पता होगा चैप्टर फर्स्ट का, एक्सोथर्मिक एंड ओदर्मिक, पता है एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोदर्मिक क्या होता है, पता नहीं पता भाई, ऐसा दिक्कत आएगी, सुनो ऊपर का हो गया, मैं बस हल्का सा बता रहा हूँ, वैसे सुनो सुन लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें EX अधर्मिक, ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक। अगला है एंडोधर्मिक, ठीक, इसमें मेरे पास क्या होता है भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इन बात को याद रख के चलो, लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, एक्सोथर्मिक इसका मतलब है प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और एंडोधर्मिक एंडोधर्मिक का मतलब है प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोड्यूस
ऑक्सीजन गैस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो मेरे पास जो इसका अगला है, तुम्हें एक बात ध्यान रखना चाहिए भाई, यहाँ पे जो पोटेशियम जो है ना, एक पोटेशियम लिया मैंने, दूसरा लिया सोडियम, तो बस एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो मेरे पास ना द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सुनो भाई मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात ये बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास हाँ भाई सुनो, मैंने पहले ये दो बता दिए, एक पोटेशियम के साथ, अगला बताया सोडियम के साथ, तो मैं एक और बता दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट मेरे पास से भाई, एक बार मैं कर रहा हूँ कैल्शियम के साथ, फिर करूँगा मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तीन चार के साथ करूँगा, फिर सारे सारे हाँ नॉर्मल होगा, बस कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ बातें बतानी पड़ेगी, ठीक है सुनो। चलो भाई मैं नॉर्मल सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन लिख लो कि मेटल लाइक एलुमिनियम, यहाँ पर एक बात लिख लो कि मेटल लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद इधर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर एंड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक है भाई, तो मैं ध्यान रखे चलना कि मेटल लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन भाई ये सारे सारे ऐसे हैं जो कि मेरे पास क्या है कि ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये जो रिएक्ट करते हैं ना भाई सिर्फ हमारे पास रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, बट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म, अच्छा बताओ अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या है कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे ना, ऐसे ही तो होगा। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई सा भी एलिमेंट है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा भाई, मेटल ऑक्साइड, जिसको हम मेटल हाइड्रोक्साइड ही बोल देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ऐसा ही तो होगा ना। अब सुनो तो प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आया इसके अंदर। अब सुनो भाई नेक्स्ट देखो, अब ना मैं तुम्हें एक अगली बात बता रहा हूँ कि मेरे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड वेट, ठीक है, तीसरा मेरे पास पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड है, दूसरा पता लग गया भाई पूरा अच्छे से हो गया नीचे वाला, कब लिखो लिखो, सुनो भाई नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ, ठीक है भाई मेरे पास क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेरे पास क्या है डाइल्यूट एसिड है, समझो ये है क्या, सबसे पहले हमें बताओ जो भाई डाइल्यूट एसिड क्या है, क्या होता है डाइल्यूट एसिड का, मतलब याद है क्या होता है डाइल्यूट एसिड, चैप्टर सेकंड में पढ़ा था ना, क्या होता है भाई साहब, ऐसा अगर हुआ ना फिर तो हो जाना काम तमाम, बताओ भाई जो डाइल्यूट एसिड होता है क्या होता है वो, नहीं पता भाई, एक एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी होती है, ठीक है, मैं दो एसिड बताया, एक मेरे पास होता है जैसे मान लो एक है कंसंट्रेटेड
एसिड था, दूसरा मेरे पास था डायल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें ये मान के चलो कि भाई जितना जितना कम से कम हम पानी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें कम से कम पानी होता है, ठीक है। दूसरा क्या मेरे पास, जो डायल्यूट एसिड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायल्यूट एसिड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब इसके अंदर भी पानी है, समझ सकते हैं ना, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि जो डायल्यूट एसिड है, डायल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर कंटेन या फिर ऑप्टेन बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बोलूंगा भाई, मेरे पास एसिड विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है भाई। ऐसा ना मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डालें, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना ज्यादा पानी इसमें मिलाया जा सकता है उतना ज्यादा, ठीक है। तो मैं क्या समझूंगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद डायल्यूट एसिड, इसका मतलब पानी भी है तो थोड़ा बहुत उसी के जैसा रिएक्ट करेगा ये, बात समझ आ रही है। तो भाई सबसे पहले चीज, कभी भी अगर मेटल, सुन जाओ, अगर मैंने तुम्हें ना चैप्टर सेकंड में बताया था, अगर कभी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा भाई, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, एसिड होता है। हमारे पास क्या था, वैसे सॉल्ट और हाइड्रोजन क्या होता है, सुनो हमारे पास होता क्या है, कभी भी अगर हम किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू होगा, बात समझ आ रही है। तो इसमें क्या होगा, पहली चीज, मैं किसी भी मेटल को अगर एसिड के अंदर डालता हूँ तो तीन चीज हो सकती है ना, ठीक है, तीन बातें निकल के सकती हैं। पहला मेरे पास क्या हो सकता है, बहुत ही तेज निकले, तो मैंने रिएक्टिविटी में बताया ना भी, रिएक्टिविटी में क्या होता है, एक होता है बहुत ही तेज धुआं छोड़ना शुरू कर दे, ठीक है, दूसरा है कि हल्का बहुत थोड़ी देर के बाद हो, तीसरा मेरे पास कुछ हो ही ना, कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। तो अब इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, ये वाला सारा हो गया ना, ये सारा हो गया। सुनो भाई, तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास मेटल जो है ना, हमेशा क्या करता है, जब भी मेटल को एसिड के अंदर डाला जाता है, ठीक है, तो उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, हमेशा हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाता है, बात समझ आ रही है। मेटल को कभी भी अगर डाला जाता है तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। डिस्प्लेस का मतलब नॉर्मल सा वही है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मतलब कि डायल्यूट एसिड के साथ, तो सबसे पहले तुम्हारे पास ना मेटल सॉल्ट बनेगा, ठीक, इसको सॉल्ट मेटल ही बोल देते हैं कुछ लोग। तो मेटल रिएक्ट विद डायल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बोलो कोई दिक्कत आ रही है भाई इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट जो मेरे पास है ना भाई, इसमें मतलब तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ कि कभी भी अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है भाई, डायल्यूट एसिड के साथ, तो मेरे पास क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड, मेटल सॉल्ट एंड मेरे पास क्या, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ये वाली बातें बता दी मैंने, इसको लिखवा दे रहा हूँ कि व्हेन, भाई नॉर्मल सी बात है ना, बस ये लिखा हुआ है इसको मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट में, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डायल्यूट एसिड then it form metal salt and hydrogen gas, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर। सुनो, अब मैं ना देर तुम्हें क्या भाई, देर क्या करता हूं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि भाई जो मेरे पास ना कौन सा मेटल कितना ज्यादा डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे, बात समझ आ रही है। तुम्हारी बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज है, दिख रही है, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, देख लो एक बार, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे लिखा है ना कि मोर रिएक्टिव, उसके नीचे क्या लिखा है भाई, मोर रिएक्टिव है तुम्हारे पास कहेगा कि मतलब कि उसे लेस रिएक्टिव है, फिर मेरे पास जैसे मान लो कि और सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई इस तरीके से मैं पढ़ना था, ऊपर देखो सबसे ऊपर लिखा होगा ज्यादा रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, नीचे पहुंचते पहुंचते ना मतलब रिएक्टिविटी कम होती रहती है,
इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, वैसे लिखवा दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सुनो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोल दूं कि अगर हम मेटल का रिएक्ट करवाते हैं किसी भी, अच्छा भाई एक बात समझ जाओ, और देखो जब ना मेरे पास क्या होता है कि मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ गया, ठीक है, मेटल किसी भी एसिड के साथ मिक्स होता है और एसिड के साथ मिक्स होने के बाद वो तुरंत ही ना तुरंत रिएक्ट करना शुरू करता है, उसे क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिव, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसा बोलेंगे कि भाई अगर कोई सा भी मेटल, मतलब इफ एनी मेटल रिएक्ट रैपिडली, मैंने कहा रैपिडली तुरंत ही रिएक्ट रैपिडली विद एसिड, देन इट इज वेरी मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इस तरीके से बात आती है, और कुछ नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ कि मेटल रिएक्ट विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता क्या होता है, HCl, ठीक है, तो मैं पहला बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब किसमें जो पहला पॉइंट है ना उस वाले को थोड़ा बस बात ध्यान रखे चलना, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई यहाँ पर डायल्यूट है, ठीक है, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो मैं मेटल रिएक्ट डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल, तो भाई इसमें क्या करता है, टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एक मिनट सुन जाओ, चलो इसको पहले बता दूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेटल रिएक्ट विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या क्या बातें निकलेगी। सबसे पहला मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेटल रिएक्ट विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें मैं पहले एलिमेंट का नाम लेके चल रहा हूँ, पहला मैं भाई सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, मेटल का पहला नाम क्या ले रहा हूँ मैं, सोडियम, ठीक, तो मैंने क्या बोला कि अगर हम सोडियम को रिएक्ट करते हैं किसके साथ भाई, सोडियम को मैंने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो भाई ये जो फॉर्म करेगा ना, सबसे पहले बनेगा हमारे पास एक तरीके से मान लो कि मेटल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, वैसे ना मतलब मैंने यहाँ पे सोडियम लेके चल रहा हूँ ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैंने कहा था कि मेटल रिएक्ट करता है मतलब कि डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा भाई, टू फॉर्म, ठीक है, क्या बनाएगा मेरे पास से, टू फॉर्म मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, देखो मैंने कहा कि मेटल रिएक्ट विथ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाया उसने, टू फॉर्म मेटल क्लोराइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया, देखो सोडियम ने रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, मेटल क्लोराइड, ठीक है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज़ है, ठीक है। अब सुनो, मैं इसका वही है, बस नॉर्मल लिख रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल्स लिए मैंने सोडियम के, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक HCl है, मैंने यहाँ पे दो लिया, तो यहाँ पे दो लेना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना वो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना ना, तो सोडियम Na, ठीक है, Cl, ये तो होगा, तो यहाँ पे मैंने दो दो एलिमेंट है, तो दो ले लेंगे यहाँ पे भी, 2NaCl, और उसके बाद मेरे पास क्या, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर किसी को, बोलो, अच्छा ये तुम्हें नंबर में दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं यहाँ से दो दो हटा दूँगा तो यहाँ से भी दो दो हट जाएगा, ख़त्म, ये बात तो बताओगी नॉर्मल सी, अगर मैं यहाँ से ये दो हटा दूँ, ठीक है, ये दो हटा दूँ, ठीक, तो ये भी दो हट जाएगा, ये भी दो हट जाएगा, क्या जा क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है, बस तुम्हें नॉर्मल लिख देना होता है, थोड़ा सा ना भाई टीचर को लगेगा, हाँ भाई बच्चे को ठीक है समझ में आया कुछ ना कुछ तो, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। अब सुनो भाई, अगर मैं ऐसा ही सेम कर दूं किसके साथ भाई, मैग्नीशियम के साथ, ठीक,
ये क्या मैंने मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम के साथ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो भाई मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले जो एलिमेंट का नाम है उसको लिखता हूँ। तो मैग्नीशियम क्या मेरे पास आएगा Mg। ठीक, इस बार एक एक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl, तो इसको मान लो दो ले लिया मैंने HCl। ठीक, तो देखो भाई मैं जैसा इसके साथ रिएक्ट करूँगा वैसा उस साइड भी होगा। मेरे पास क्या है H2 है, Cl भी 2 है ना, तो आगे भी वैसा होगा। ठीक है, पास आ रही है, अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूंगा ना, अगर यहाँ से 2 वहाँ से मिट जाएगा। देखो मैं सब नॉर्मल लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl, Cl 2 है ना, यहाँ पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2। मैं अगर यहाँ भी 2 लगा दूँ ना तो इस पूरे आगे 2 लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। ठीक, अब सुनो भाई यहाँ पे जो मेरे पास क्या है कि द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखकर चलना है, जो मैग्नीशियम है ना वो लेस रिएक्टिव है और सोडियम मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। अच्छा बताना, सोडियम ऊपर लिखा है ना, सोडियम ऊपर लिखा है मैग्नीशियम ऊपर लिखा है, सोडियम ऊपर है ना, पता लग रहा है कैसे, ये वो सोडियम मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज है, याद कर लो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर सुनो भाई तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ इसी के अंदर कि अगर मैं एल्युमिनियम मेटल को अगर मैं मान के चलो कि रिएक्ट कराता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, थर्ड बात बता रहा हूँ, एल्युमिनियम को मैंने रिएक्ट कराया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेरे पास पहला एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सुनो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास जो एल्युमिनियम का रिएक्ट किया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बन गया मेरे पास ये एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, मेरे पास ये जो एल्युमिनियम है ना स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, स्टार्टिंग में बहुत स्लो रिएक्ट करेगा। क्यों? एल्युमिनियम जो है ना इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की पतली सी लेयर होती है, उसको एसिड को हटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एल्युमिनियम का टुकड़ा लूंगा मैं डालूंगा उसके अंदर, पहले वो बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज गर्म होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। बस नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सुनो एल्युमिनियम सीट होती है घर में जिसमें रोटी लपेटते हैं, उसको लो एसिड के अंदर डाल दो उसे। अगर उसको हम डालते हैं ना पहले कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद वो गर्म होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, धुआं निकालना शुरू कर देगा, बातें पता लगी, तो इन बातों को याद रखकर चलना है। तो मैंने क्या बोला भाई, इसका बस वही लिख दे रहा हूँ मैं कि मेरे पास अगर से करता हूँ एल्युमिनियम का, मैं इसमें दो लेकर चला हूँ। ठीक है, 2Al प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस बार ना 6HCl लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ना एल्युमिनियम सीट थोड़ी सी ना मतलब कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ता है इसमें। ठीक है, पता है जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़ा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो 2Al और प्लस 6HCl, तो मेरे पास यहाँ पे आके बन रहा है 2Al और Cl2। ठीक, एक Cl3 है भाई, Cl3 देखो क्यों है, 2 3 6 हो जाएगा ना। देखो यहाँ से फोकस करो, Cl6 है यहाँ पे, तो यहाँ तो 6 होना चाहिए ना, 3 2 6। ठीक है, और Al2 का 2 है, और लास्ट में मेरे पास क्या भाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन 6 है ना, तो भाई वहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, देखो एक तो नॉर्मल H2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख दूंगा खत्म।
ठीक है, बोलो इसमें वो वाली बात लिखवा दूँ कि भाई अच्छा बस ना वैसे याद रख के चलना कि स्टार्टिंग में क्या होता है। और जो मेरे पास एल्यूमिनियम है ना भाई, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है कि एक तरीके से मान लो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक, बात को लगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर कहाँ से आएगी, एल्यूमिनियम पहले हवा में तो होगा ना, एल्यूमिनियम पहले हवा में आया होगा। ठीक, उस तो हवा में आने का मतलब है ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट हुआ होगा उसका, यही तो है इसका मतलब। जब ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट हो गया तो क्या बोला जाएगा भाई कि उसके ऊपर एक लेयर आ गई है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ गई है। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ गई तो हम क्या समझेंगे, ठीक है भाई लेयर आ गई, पहले एसिड उस लेयर को हटाने में टाइम लेगी। स्टार्टिंग में जो एसिड, जिस एसिड के अंदर में डालूंगा, पहले वो एसिड उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने में टाइम लेगी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में स्लोली रिएक्ट करता है लेकिन बाद में मोर रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सुनो हम क्या लिखेंगे इसमें, कि इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट इट रिएक्ट विद एसिड स्लोली, किसके वजह से भाई, बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर बट वेन दिस प्रोटेक्टिव लेयर गेट रिमूव, बट वेन दिस प्रोटेक्टिव लेयर गेट रिमूव्ड देन इट रिएक्ट विद एसिड रैपिडली। ठीक है, उसके बाद क्या भाई, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट बात भाई वैसे मेरे पास है कि जो अगर मैं जिंक की बात कर दूँ, जिंक बहुत ही लेस रिएक्टिव है, जिंक और नीचे लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं और बात करूँ, मेरे पास आयरन है भाई, वो भी क्या मेरे पास लेस रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर वो रिएक्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो रिएक्ट वैसे ही होगा। तीसरे के बाद चौथा में क्या लिखोगे कि जो मेरे पास, अच्छा इसका जिंक के साथ कर लेना। ठीक है, ये मेरे पास लेस रिएक्टिव है, क्या मेरे पास है, लेस रिएक्टिव है। उसके बाद पांचवा कह रहा हूं, जिंक के बाद देखो अगला मैं आयरन, ये भी मेरे पास लेस रिएक्टिव भाई। इसकी एक्टिविटी लिखनी है ऐसे ऐसे रिएक्शन लिखने हैं इसके, इनको तुम ये हिसाब दो, जैसे लिखा है ना जिंक लेस रिएक्टिव, तो पहले जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, उसके नीचे बस लिख देना कि जिंक इज लेस रिएक्टिव। वैसे आयरन भी लेस रिएक्टिव, लेकिन जो मेरे पास कॉपर है भाई, कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मैं अगला लिख दे रहा हूँ, सिक्स्थ जो है कॉपर। ठीक है, कॉपर को जब रिएक्ट कराते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कॉपर का रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है भाई, ध्यान रखना एग्जाम में इसमें से कुछ भी उठ के आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मतलब इस तरीके से स्टेट द रिएक्शन ऑफ व्हेन कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, किसी भी मेटल के ऊपर अगर ऑक्साइड लगा होगा ना, तो पहले वो स्लोली रिएक्ट करेगा, उसके बाद जैसे ही वो लेयर हट जाएगी तो रैपिडली रिएक्ट करती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो ये वाला हो जाएगा, मैं इसका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, Cu+HCl, ये मेरे पास गया भाई नो रिएक्शन। बोलो भाई ये सारे पसंद आ गए, और भाई जो जो ऑनलाइन क्लास लेगा वो सारा का सारा काम करके नेक्स्ट क्लास में चेक कराएगा। ठीक, और अगर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि भाई तुमने छुट्टी की है तो देख लेना, वरना तो मैं नेक्स्ट क्लास में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज कराऊंगा और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, देख लेना एक बार।